आई एम सो सॉरी फॉर दिस क्लिप्स. मेरे पास कुछ क्लिप्स रखे हुए थे, मैंने यूज कर दिया. लेट्स गो टू लाइट रूम एंड लर्न द एडिटिंग जो आपने थंबनेल में देखा है. सो गाइज, वी आर इन टू द लाइट रूम एप्लीकेशन एंड इस वीडियो में टोटली हम बात करने वाले हाउ टू गेट द मोस्ट सिनेमेटिक लुक ऑन योर फोटोज एंड जो हमारा टाइम होगा गोल्डन आवर की फोटो बोल सकते हो आप. एंड जो टोनी की फोटो होती है आप उसमें देख सकते हो, टोनी महफूद की, इन सब फोटोज़ में आता है वो वाला लुक. मैंने भी बहुत ट्राई किया ऐसा, बट एक्चुअली होता ही है कि इसके लिए आपको एक अच्छी फोटो चाहिए जो कि उस टाइम पर सच में खिंचाई हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये फोटो आप देख सकते हो, पीछे में सन सेट हो रहा है, तो ये फोटो बहुत अच्छी मतलब टाइम पे खिंचा गई है और लोकेशन भी बहुत अच्छा खासा लग रहा है. पीछे ग्लास टाइप का है, आपको आजकल के ऑलमोस्ट हर सिटी में ये लोकेशन मिल जाएगा. आप भी वहाँ पे जा करके अपनी रिक्रिएट कर सकते हो फोटो को. सो गाइज, आपको करना ये है कि जब भी आपकी ऐसी फोटो एक रेडी हो जाए जहाँ पे एक इस टाइप का बैकग्राउंड आए, जहाँ पे आपको सनसेट होते हुए दिख रहा हो या स्काई में थोड़ा सा लुक आ जाए गोल्डन या फिर ब्लू का, तब हम वहाँ पे अपनी फोटो एडिटिंग बहुत अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द एडिटिंग प्रोसेस. द मेन थिंग इज, अगर आपकी फ़ोटो बहुत ब्राइट है देन गो टू एक्सपोजर एंड यहाँ से आप इसे डाउन करो. सबसे पहला काम तो आपका यही होगा, सबसे अच्छी वाइब यहीं से आ जाएगी आपकी फ़ोटो में. और अगर आपका फ़ोटो ऑलरेडी डार्क है तो आप उसे शेडोज को थोड़ा बढ़ा करके जस्ट लाइक दिस आप उसको थोड़ा बहुत करेक्ट कर लो जितना भी आपको सही लगे. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द विनेट इफेक्ट. विनेट इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो एक स्लाइडर रहता है जो कि चारों तरफ आपके पूरे डार्कनेस ऐड कर देता है. बट हमें ये वाला इफेक्ट हर जगह नहीं चाहिए, तो हम इसे हटा कैसे सकते हैं. द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज यहाँ से जो हाईलाइट्स के पार्ट है इसे आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, तो जो भी हाईलाइट वाले एरिया है वहाँ से जो डार्कनेस है ये हट जाती है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे कम किया तो वो सारे जगह पे आ रहा है, जैसे ही इसे बढ़ाया तो आप देख सकते हो वाइट पार्ट से वो हट गया है. एंड यहाँ से आप इसके मिड पॉइंट्स को थोड़ा बहुत देख सकते हो एंड इसकी जो राउंडनेस है आप इसे थोड़ा सा कम और ज़्यादा करके सबसे बेस्ट लुक अचीव कर सकते हो जस्ट लाइक दिस. अब आप देख सकते हो ये थी बिफोर एंड ये है आफ्टर, बहुत सिनेमेटिक लुक आ चुके हैं आपकी फ़ोटो में. द नेक्स्ट थिंग वी कैन डू इज़ गो टू टेम्परेचर सेक्शन एंड यहाँ से आपकी फ़ोटो अगर बहुत ग्रीन हो या बहुत ऑरेंज हो, कैमरा सेटिंग आपकी थोड़ी ख़राब हो गई हो, तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ डिक्रीज द टेम्परेचर. थोड़ा वार्म टोन रखने की कोशिश करना आपकी फ़ोटो में. मैंने -3 कर दिया, तो अब आप देख सकते हो ये बिफोर एंड ये है आफ्टर, तो यहाँ पे हमारी इतनी अच्छी लुक तो आ चुकी है. द नेक्स्ट थिंग वी विल डू इज़ सेलेक्टिव टूल्स. ये मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइट रूम का लेटेस्ट वर्जन जिसमें बहुत सारे नए अपडेट्स आ चुके हैं. इसके ऊपर भी शायद हाँ वो मैंने कोर्स पे वीडियो प्रोवाइड की थी, तो जो भी अगर कोर्स वोर्स लेना चाहते हो, मेरा फोटोशॉप का कोर्स जो कि फुल डिटेल होता है एंड वो चाहिए, तो DM कर देना मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट कर दो नीचे अपना इंस्टाग्राम ID, मैं तुमको DM कर दूंगा. और मेरे पास कोर्स मोबाइल एंड PC दोनों का अवेलेबल है, तो ये सब बातें हम इंस्टाग्राम में करेंगे. तो यहाँ पे से आप जैसे सेलेक्टिव टूल में जाएंगे, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ब्रश टूल ले एंड ब्रश टूल लेने के बाद आप इसकी साइज़ थोड़ी बड़ा कर लें एंड जहाँ पे भी आपका सन वाला इफेक्ट है वहाँ पे इसे ऐड कर दें एंड यहाँ पे आप इसे टिंट बढ़ाएं एंड टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें. इससे लुक आ जाएगा आपका जो गोल्डन टाइप का लुक है वो सन वाले जगह पे आ जाएगा, तो इट विल लुक लाइक द सन इज सेटिंग डाउन, तो वहाँ पे ऑरेंजेस लुक आ रहा है. एंड द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज मेक वन मोर लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्शन टूल एंड इसे थोड़ा और डार्क करेंगे हम नीचे से जस्ट लाइक दिस. इसे थोड़ा ऊपर रख लेते हैं, हमारे फेस पे ज़्यादा नहीं आना चाहिए. एंड नाउ एक्सपोजर को डाउन करेंगे. एंड यहाँ पे हम इसकी टेम्परेचर को भी थोड़ी डाउन करेंगे, थोड़ा सा ब्लू इफेक्ट चाहिए हमको, टेम्परेचर कम चाहिए. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी फोटो में बहुत सिनेमेटिक सा टोन आ चुका है. ये थी बिफोर एंड अब देख सकते हो आफ्टर, पीछे स्काई में बहुत अच्छा लुक आ गया. तो ये सब चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती है, ये खुद से नहीं होती. आप कोई भी स्लाइडर्स को इधर उधर करके नहीं कर सकते, और जो आपको बोल रहे हैं कि मैं आपको सिखा दूंगा स्काई पे डायनेमिक रेंज लाना, तो इट्स टोटली रॉन्ग. ये सब मैनुअली आपको ड्रॉ करना पड़ता है, तब वैसा लुक आता है. द नेक्स्ट वन मोर थिंग वी कैन डू इज वन मोर वी विल क्रिएट वन मोर लीनियर ग्रेडियंट एंड यहाँ हम इसे हम नीचे से मारेंगे. इसकी टेम्परेचर को थोड़ी डाउन करते हैं एंड इसकी एक्सपोजर को थोड़ी सी डाउन करते हैं. That's it. तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा लुक आ चुका है हमारी फोटो में.
एंड यहाँ पे से हम जाएंगे कलर ग्रेडिंग। ये वाला टूल जो है अगर आपको यूज़ करने आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो अभी देख लो किस टाइप से करना है। वैसे इसका ज़्यादा यूज़ फोटो में नहीं होता, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हाइलाइट्स जो कि ब्राइटेस्ट पार्ट है आपकी फ़ोटो की, ये उसे ले लेगा कलर में। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसे भी हम थोड़ा सा ब्लू रखेंगे, एंड उसके बाद आप इसे इस तरह से कर सकते हो। आपको इसकी सेचुरेशन कितनी चाहिए, जब आपका वो पॉइंट सेलेक्ट हो गया उसके बाद आपको वहाँ पे एक बार क्लिक करना है, एंड उसके बाद आप इसे आगे पीछे कर सकते हो लाइक दिस। एंड इसकी आप ब्लेंडिंग को देख सकते हो, जितना भी आपको चाहिए कलर, लुमिनेंस को देख सकते हो, एंड नाउ इट्स परफेक्ट। एंड हम मिड टोन्स पे जाएंगे, एंड यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंजेस लुक रहेंगे, एंड इसकी हम लुमिनेंस को थोड़ी बढ़ाते हैं लाइक दिस। सो ये देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बहुत प्यारा लुक आ गया, सिनेमेटिक सा टोन आ चुका है हमारी फोटो में। तो ये सारी चीज़ें भाई मैनुअली होगी, आपको खुद से करनी पड़ेगी, कोई आपको प्रीसेट करके ऐसी एडिट नहीं देने वाला जो कि आप चाहते हो, जो आप देखते हो, जो नीचे एकदम मस्त डार्क से लुक आती है। ये सारी चीज़ें सिर्फ पॉसिबल है आपके मैनुअल हाथों पर, बाकी आपको कोई करके नहीं देने वाला। बाकी फेस पे क्या वर्क किया है मैं आपको वो समझाता हूँ। सो गाइज एज यू कैन सी मैंने फेस पे थोड़ा सा स्मूथनेस ऐड किया था टेक्सचर कम करके, एंड आई पे थोड़ा लेंस बनाया था। सारी वीडियो अपलोड है मेरे यूट्यूब में कि किस तरह से ये सब करना है। बाकी फेस टेक्सचर का मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान है। सो सबसे पहले से डन करते हैं, सेलेक्टिव टूल्स में जाते हैं, ब्रश लेंगे, एंड बस आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है जहाँ भी आपको पेंट करना है। उसके बाद आपको इसके टेक्सचर को डाउन करना है, यहाँ पे जो टेक्सचर रहता है आपको इसे डाउन कर देना है और थोड़ी बहुत क्लैरिटी के साथ खेल लेना है। होता यह है टेक्सचर डाउन करने से फेस में स्मूथनेस आ जाती है, और क्लैरिटी डाउन करने से उसका क्या है, फैल जाता है जो टेक्सचर है वो सारी तरफ। उसके बाद आप इसके ऊपर फिर से नए लेयर्स बना करके वर्क कर सकते हैं, डॉज एंड बर्न कर सकते हैं, इट्स सो ईजी टू डू। सो इतना ही फोटो में था, और आँख में आपका जो लेंस क्रिएट करना है वो भी बहुत आसान है। ड्रॉ करके ही मैंने वो लेंस को क्रिएट किया था। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए एकदम फेस के ऊपर प्रॉपर कि क्या क्या करते हैं, जो इस फोटो में आप समझ सकते हो जो आपको दिख रहा है फेस में हुआ है, टेक्सचर भी है, स्मूथनेस भी है, तो अगर आपको ये देखना है तो भाई कमेंट कर देना, इसी फोटो का मैं ले आऊँगा। एंड बाकी तो लुक हमारी फोटो में बहुत प्यारी आ चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये एक शॉर्ट वीडियो थी, अब थोड़ी डिटेल्स वीडियो अब रेगुलर आएगी, बिकॉज अब मैं अपने घर आ चुका हूँ, एंड कुछ व्लॉग्स भी आएंगे, तो सपोर्ट दिखाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।